फ्रेंडशिप पे कि हाँ उन दोनों का कैसे चल रहा है अच्छा अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो घर वालों को भी तसल्ली रहती है कि ठीक है हमारे बच्चे के साथ कोई ऐसा है जो उसके साथ हमेशा खड़ा है तो कहीं ना कहीं उनको भी इन दोनों का ये बॉन्ड बहुत ही अच्छा लगता है ताकि एक दूसरे के साथ रहें और वो भी टेंशन फ्री रहें और ये भी टेंशन फ्री रहें खुश, खुश होंगे बिल्कुल जोड़ी है? टीना शालिन जोड़ी है। <laughs> टीना uh, मुझे तो शालिन का ही नहीं समझ में आता एक्चुअली मतलब मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगते टू बी वेरी ऑनेस्ट तो जोड़ी का भी टीना भी उनका कुछ समझ में नहीं आता बहुत बार ऐसा लगता है कि वो इंटायरली कैमरे के लिए ही करती हैं सारा कुछ उनको खुद को नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं दोनों तो बाहर तो क्या ही दिखेगा जब उनको खुद को अंदर नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं शालिन एज में काफ़ी मेच्योर हैं बड़े हैं लेकिन वो इतने किडिश हैं कि कभी कभार उनको खुद को पता नहीं चलता कि वो क्या कर जाते हैं तो बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं मुझे इनका समझ में आता

सुम्बुल ऑप्सेस नहीं कह सकते सुंबुल ने भी बाहर एक स्टेटमेंट दी थी पहले भी इस चीज़ के बारे में मैं इतना नहीं जानती उनको बट हाँ मतलब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि वो भी बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं लोगों के साथ और वो इतना अटैच हो जाती हैं कि वो फिर जैसे फहान आए थे उनके फ्रेंड आए थे तो उनके साथ भी हमने उनका बॉन्ड देखा कि उन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ इतना प्लेफुली वो रही इतना खुश थी वो तो ऑब्सेशन अगर उनको शालिन शालिन के साथ उनका शुरू से एक बॉन्ड बन गया था जब हम एक बॉन्ड बना लेते हैं तो जब हम कुछ उनको कर रहे हैं तो हम सामने से भी एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ लेकिन उसको वो चीज़ कभी मिली ही नहीं क्योंकि शालिन कहीं ना कहीं टीना की सीरियसली पूछ बनकर रह गए हैं वो जैसा बोलती हैं वो वैसा ही करते हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रायंगल है ये फॉर्म हुआ था और इतना बड़ा रकस क्रिएट हुआ था अदरवाइज अब भी तो सुबुल खेल ही रही है अब कहाँ शालिन का वो ऑब्सेशन अब कहाँ उसका वो ऑब्सेशन गया शालिन के लिए अब उसने भी अब भी तो उसने वो पार्ट पार्टवाइज किए हैं इतनी जल्दी तो ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होता ना तो दैट मीन्स कि वो कन्फ्यूजन उनकी तरफ से ही क्रिएट की गई थी उसमें सुंबुल का कोई रोल प्ले नहीं था और देखा जाए तो आपको सबसे <laughs> अंकित फॉर श्योर प्रियंका <laughs> ये दोनों तो हैं ही आ, मुझे शिव लगते हैं कि वो इनको टक्कर देने वाला है उसमें बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है मराठी बिग बॉस को लेके और अब जो ये मंडली फॉर्म हुई है अगर एज एन इंडिविजुअल शिव खेले तो वो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर दे सकता है क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत वैलिड होते हैं वो यूज़लेसली इतना ज़्यादा नहीं बोलता है या चीज़ें नहीं करता है बहुत वैलिडिटी के साथ ही वो बोलते हैं अर्चना में ये कह सकती हूँ कि अर्चना में जील है जीतने की इंथूजियाज़म है वो आ, दिखने के लिए बहुत चीज़ें करती हैं दैट मीन्स कि वो गेम में इन्वॉल्व रहना चाहती हैं अपने आप को रखना चाहती हैं लेकिन वो कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर जाती हैं जो गेम के बिल्कुल ही खिलाफ है या जो बिग बॉस के भी खिलाफ है तो उसकी वजह से उनका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अदरवाइज़ स्टिल uh, अर्चना एंटरटेनमेंट पर्पज़ से कंटेंट दे देती हैं बाकी लोग मुझे इतने इफ़ेक्टिव नहीं लगते uh, चाहे वो अब्दू हो चाहे वो साजिद जी हो ठीक है सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है घर में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं बट स्ट्रॉग कंटेंडर्स मुझे इनमें से इतने नहीं लगते बाकी जने